दबिश देकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और बताया यह जा रहा है कि इन लोगों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की है। राजस्थान के डीग जिले के मेवात इलाके में 5 थानों की पुलिस टीम ने दबिश देकर 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इन साइबर क्रिमिनल्स ने अभी तक करोड़ों रुपए की ठगी करते हुए 1000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस फिलहाल यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के राज आखिर कितने गहरे हैं। अगर आप भी कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं और नहीं हुए हैं तो सावधान हो जाइए। आज हम ऑनलाइन ठगी करने वालों का ही लाइव शिकार करने जा रहे हैं। मतलब कैसे आपको इस जाल में फंसाया जाता है, कैसे मात्र 2 मिनट में ही आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है, सब कुछ हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए। वैसे सर आपका जो पेमेंट है उसमें से आपका 30,000 आपको वापस आएगा और 2,520 सर वो केयर फीस माइनस होता है सर। इसे ओनली आधा घंटे के अंदर अंदर ये पेमेंट आपको जमा कर। बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इधर से। जी हमारा नंबर आपको साइबर क्राइम ब्रांच आईपीएस पुलिस ऑफिसर से ही नंबर भेज रहा हूँ बेटा, नंबर भेज दिया है, आप चेक कर लो ठीक है। फर्जी बैंक अकाउंट में ठगी के शिकार लोगों से रुपए डलवाकर एटीएम के जरिए पैसों को निकाल लिया जाता था और इसके बाद ठगी की रकम का आपस में बंटवारा किया जाता था। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि इनकी गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, जिससे उनको गिरफ्तार किया जा सके। इनका वीडियो जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं वो तैयार करा, जिसमें कि लाइव साइबर ठगी करते हुए उन लोगों को हमने रिकॉर्ड किया है और वो मेरे ख्याल से सभी को देख करके जो आम जनता है पब्लिक है वो भी उनको देख करके समझ पाएंगे कैसे हमारे साथ ठगी हो रही है। उसके लिए हमने उसको बनाया है। इसमें 46 मोबाइल में सिम कार्ड, 6 सिम उसके अलावा, 1 मिनी ATM मशीन, 3 चेकबुक, 4 जो है इनकी जमीन की रजिस्ट्री के कागजात भी हमने जब्त किए जो कि साइबर ठगी के पैसे से खरीदे गए हैं, 1 क्रेटा कार जो कि साइबर ठगी के पैसे से खरीदा गया है, 1 ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। वहीं पुलिस के लगातार निगरानी रखने के साथ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जा रहा। यही वजह है कि ऑनलाइन ठगी में सक्रिय अपराधी या तो इस काम को छोड़ चुके हैं या फिर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह चले गए। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को एक नया हथियार दिया है। ये कौन सा हथियार है जिसे पा करके पाकिस्तान बहुत